हेलो एवरीवन, टुडे विल डू सिक्स चैप्टर ऑफ सिक्स एनसीईआरटी इंग्लिश बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट्स. एक बार एक नदी के किनारे एक मंकी एक पेड़ पर अपना घर बनाता है जो फ्रूट से लदा हुआ था. लेडन मीन्स लदा हुआ, भरा हुआ. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruits of his choice. वो वहाँ पर खुशी से रहता था और अपनी मर्जी से जी भरकर अपनी चॉइस के फ्रूट्स वो खाता था. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. मंकी खुश था लेकिन अकेला था और बातें करने के लिए और अपने फ्रूट्स शेयर करने के लिए वो एक कंपेनियन चाहता था. कंपेनियन मीन्स फ्रेंड. But there was no one around, not even another monkey. लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था. Not even a monkey, दूसरा monkey भी वहाँ पर नहीं था. Till one day a crocodile appeared on the river side. और एक दिन फिर एक crocodile, एक मगरमच्छ river side, river के किनारे पर दिखाई दिया. Hello, said the monkey. Do you live in this river? Would you like to eat some fruit? Monkey कहता है कि hello, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? क्या तुम कुछ फ्रूट खाना चाहोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. क्रोकोडाइल बड़ा पोलाइटली रिप्लाई करता है कि गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने और अपनी वाइफ के लिए खाने की तलाश में आया हूँ. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. और आपने मुझे फ्रूट ऑफर किए, ये बहुत अच्छा लगा. The monkey plucked some fruit from the nearest branch and threw them down. Monkey ने पास वाली ब्रांच से कुछ फ्रूट्स तोड़े और उन्हें नीचे फेंक दिया. The crocodile found them delicious. Crocodile को वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगे. Thanks, he said. May I have some on my next visit? वो कहता है कि thanks, क्या मुझे अपनी नेक्स्ट विजिट पर भी कुछ मिलेंगे? यानी कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊँगा तब भी मुझे कुछ फ्रूट्स मिलेंगे? Certainly, as many as you like and some of your wife too, said the monkey. Monkey कहता है बिल्कुल, जितने तुम चाहो उतने fruits और कुछ तुम्हारी wife के लिए भी. Do come again, I'm rather lonely here. फिर monkey कहता है कि दोबारा जरूर आना, मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ. The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw them. क्रोकोडाइल विजिटेड वहाँ पर मंकी के पास रेगुलरली विजिट करता था और जो उसका होस्ट फ्रूट्स फेंकता था उनको वो खाता था. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. और कुछ जो है अपनी वाइफ के लिए घर ले जाता. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मंकी और क्रोकोडाइल अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. वो बातें करते और बातें करते करते वो कभी नहीं थकते थे. दे टॉक्ड अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बातें करते. अबाउट द विलेजेस नियर बाय. आसपास के विलेजेस के बारे में बात करते. एंड द डिफिकल्टी विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड्स क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन. और उन डिफ़िकल्टीज का भी जिक्र करते थे जिनको विलेजर्स फेस करते थे जब बारिश नहीं होती थी. क्योंकि बारिश ना होने पर वहाँ की क्रॉप्स अच्छी नहीं होती थी, इसकी वजह से विलेजर्स को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी. तो वो लोग, वो दोनों इन डिफ़िकल्टीज के बारे में भी डिस्कस करते थे. वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल. यूजुअल मीन्स हमेशा. एक दिन क्रोकोडाइल हमेशा जितने टाइम रहता था उससे थोड़े से देरी तक मंकी के साथ रहता है. हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैस्ट. उसकी वाइफ वेट कर रही थी और वो गुस्से में थी क्योंकि उस टाइम पर वो जो है लिटिल क्रोकोडाइल्स जो अभी अभी अंडों से निकले थे उनको भी मैनेज कर रही थी. शी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ. वो पूछती है कि तुम्हारा ये ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसको तुम इतना पसंद करते हो. ओ, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड. वो कहता है कि वो बहुत अच्छा मंकी है. ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री. वो एक फ्रूट ट्री पर रहता है. ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे. वो तुम्हारे लिए डेली फ्रूट्स भेजता है. यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज टू यू. और क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ट्रीज पर चढ़कर जो है फ्रूट्स लेकर आता हूँ?
A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. Sarcasm means ताना मारना. उसकी वाइफ ताना मारते हुए कहती है कि हाँ, आई एम श्योर, एक नाइस मंकी, वो एक अच्छा मंकी है. इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड. वो कहती है कि अगर तुम मेरी इच्छा जानने चाहते हो तो मैं इस मंकी को खाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसके दिल को खाना चाहती हूँ. वट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल चिल्लाता है कि क्या मूर्खों जैसी बातें कर रही हो. आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट. मैं मानता हूँ कि टेस्ट को चेंज करने के लिए एक मंकी को खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता. यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम. फिर उसकी वाइफ ऑर्डर देती है कि तुम यहाँ उसे लेकर आओगे, मैं उससे मिलना चाहती हूँ. सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर द हस्बैंड. फिर हस्बैंड डिक्लेयर करता है ताकि तुम उसे खा सको, नहीं, कभी नहीं. हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स गुस्सा हो जाना, एंग्री. उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड हर सेल्फ एट बॉटम ऑफ द रिवर, लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर. वो नदी के किनारे बिल्कुल गहरे में जाकर बैठ जाती है और जो छोटे क्रोकोडाइल थे उनको वहीं पर छोड़ देती है ताकि वो अपने फादर को परेशान करें. पेस्टर मीन्स परेशान करना, ठीक है. द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलमा. अब क्रोकोडाइल बड़ी दुविधा में फंस जाता है. डायलमा मीन्स द्विधा. ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू. वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था और अपने फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था. मीन्स अब ना तो वो वाइफ को परेशान कर सकता था और ना ही अपने वो फ्रेंड को मार सकता था, तो इसीलिए वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाता है. फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो उसकी वाइफ की साइड लेगा. शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल. आफ्टर ऑल वो उसकी लाइफ पार्टनर जो थी, क्योंकि उसको पूरी लाइफ उसके साथ रहना था. आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से कहता है, मैं जानता हूँ कि एक फ्रेंड को धोखा देना पाप है. बिट्रे मीन्स धोखा और सिन मीन्स पाप. बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है. आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट. मैं मंकी को इनवाइट करूँगा और अच्छे के लिए आशा करूँगा. My friend wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. जब crocodile next time monkey के पास visit करता है तो वो उससे कहता है कि मेरी wife तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है. You must come home with me today, तुम्हें आज ही मेरे साथ चलना होगा. With pleasure, said the monkey. Monkey ने कहा, बिल्कुल खुशी के साथ. I am no swimmer but can ride on your back, and they set off out. वो कहता है कि मैं एक स्विमर नहीं हूँ बट मैं तुम्हारी बैक पर राइड कर सकता हूँ, सवारी कर सकता हूँ. और उसके बाद वो चले जाते हैं. इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नॉट लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन. इन द मिडल ऑफ द रिवर, रिवर के मिडल में, रिवर के बीच में जहाँ पर नदी का बहाव सबसे तेज था, क्रोकोडाइल अपनी इंटेंशंस, इंटेंशन मीन्स इच्छा, अपनी इच्छा को छुपा नहीं पाता है. सॉरी माय फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली. हेजिटेटिंगली मीन्स हिचकिचाते हुए. वो हिचकिचाते हुए कहता है, सॉरी माय फ्रेंड बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ. लेकिन अभी मुझे जो है पानी के नीचे जाना पड़ेगा. आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू. मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आया हूँ. माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय. वो कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खाए बिना जीवित नहीं रह सकती है, गुड बाय. देन द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. अब मंकी जो है डर जाता है और घबरा जाता है. बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज. लेकिन वो भी दूसरे मंकीज की तरह सेंसिबल और क्लेवर था. क्लेवर मीन्स चतुर, चतुर था और सेंसिबल भी था. ये सेंसिबल पर्सन्स यानी कि जो सोच समझ कर काम करते हैं. ही कैप्ट अ कूल हेड. वो शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है. डरता नहीं है और ना ही घबराता है. अपने आप को बिल्कुल कूल कर लेता है. कामली ही सेड,
आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर वाइफ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो। आफ्टर ऑल वट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। वो कहता है कि एक मंकी के हार्ट की क्या वैल्यू है एक क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ के सामने। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। आई वुड हैव ब्रोट माई हार्ट अलोंग, मैं अपना हार्ट अपना दिल अपने साथ लेकर आता। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क अ क्रोकोडाइल इनोसेंटली। क्रोकोडाइल बड़ी मासूमियत से पूछता है, तो तुम्हारा हार्ट तुम्हारा दिल कहाँ पर है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा कि तुम उसे हमेशा अपने पास रखते हो। ऑफकोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये वो तो ट्री पर ही है। लेट स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो जल्दी से वापस मुड़ो और उसको लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, अब मंकी जो है कॉन्फिडेंस गेन करते हुए ये सारी बातें क्रोकोडाइल को बोलता है। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस्ट द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल हाँफते हुए, हिस्ट मीन्स हाँफना, हाँफते हुए कहता है ओ डियर कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। दे लाफ्ड लाउडली एट द क्रोकोडाइल एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। और जैसे ही क्रोकोडाइल ने टर्न किया ट्री पर पहुंचने के लिए, दोनों जो है मिलकर बहुत जोर से हंसे। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। जैसे ही रिवर का किनारा आता है, मंकी एकदम से जंप करके ट्री पर चढ़ जाता है और राहत की सांस लेता है, क्योंकि अब उसकी जान बच गई थी। ही प्लक्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन एंड सेट। वो एक या दो फ्रूट जो पास वाली ब्रांच थी उसे तोड़ता है, उन्हें नीचे फेंकता है और कहता है, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट। अपनी वाइफ को मेरे हार्ट की जगह, मेरे दिल की जगह कुछ फ्रेश फ्रूट दो। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। फ्रेश फ्रूट जो है माइंड और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, सॉरी, गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। वो कहता है कि फ्रेंड गुड बाय, और अगर तुम माइंड ना करो, यानी कि तुम अगर बुरा ना मानो, तो फिर हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सेडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। अब जो है क्रोकोडाइल थोड़ा सा दुखी होता है, और वाइजर मीन्स थोड़ा सा समझदार, यानी कि अब उसको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। दुखी और वाइजर होकर क्रोकोडाइल कुछ आंसू बहाता है जो कि जेन्युइन थे, जो कि सच्चे थे, यानी कि अब उसको समझ में आ गया कि वो कितना बड़ा धोखा कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ। एंड टर्न बैक टू गो होम, और घर जाने के लिए मुड़ जाता है। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। अब वो बहुत जल्दी में था अपनी वाइफ को ये बातें बताने के लिए। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने सीखा कि जब भी कोई डिफ़िकल्टीज हमारे सामने आती है, तो हमें अपने आप को बिल्कुल काम शांत रहना चाहिए, और शांत रहकर ही हमें उन डिफ़िकल्टीज के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि जल्दी में, हेस्ट में हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मंकी शांत ना होता और वो जल्दबाजी में वाटर में कूद जाता, तो वो डूब कर मर सकता था, या फिर वो मंकी के साथ लड़ाई करता तब भी वो हार जाता, क्योंकि या फिर वो क्रोकोडाइल के साथ लड़ाई करता तो तब भी वो हार जाता, क्योंकि क्रोकोडाइल की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो मंकी से ज़्यादा थी। सो डिफ़िकल्टीज के टाइम पर हमें सोच समझ कर काम लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हम इस स्टोरी से सीखते हैं, वो क्या है कि कई बार फिजिकल पावर से हमारी मेंटल पावर ज़्यादा होती है। ओके, हालांकि देखो फिजिकल पावर में क्रोकोडाइल बहुत अच्छा था, लेकिन मेंटल पावर मंकी की अच्छी थी, तो वो अपनी लाइफ को सेव कर लेता है। सो इस स्टोरी से हमें इन दो बातों का पता चलता है। ओके, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।